हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि को लेकर एक यहाँ पर वीडियो है वो वायरल हुआ है, जिसमें जुलाई 2023 से 5% डीए बढ़ोतरी का यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है। जबकि मैंने मेरे पहले जो वीडियो है उसमें साफ साफ आपको बताया था कि 4% है वो महंगाई भत्ता आपका बढ़ने वाला है जुलाई 2023 से, जो कि 46% हो जाएगा, जिसका एरियर आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ का अक्टूबर की सैलरी में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये चीज़ें कहाँ से वायरल हुई ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और कब मिलेगा दोबारा से इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बट ये चीज़ें वायरल तब हुई जब यहाँ पर कल है वो, यानी कि कल आपकी डेट मानो कितनी डेट थी उसको, आपकी जो 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर थी, उस 4 अक्टूबर को जो कैबिनेट की मीटिंग आयोजित हुई थी, वो मीटिंग जैसे ही यहाँ पर आयोजित हुई तो काफ़ी लोगों को ये उत्सुकता हो गई थी कि इस बार डीए अनाउंस हो जाएगा या फिर बोनस अनाउंस हो जाएगा। बट दोस्तों, उस मीटिंग की सच्चाई क्या है और उस वीडियो की सच्चाई क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जेन्युइन अपडेट यहाँ पर आपको दी जाती है। एक बार आप वीडियो देखिए जो कि वायरल हो रही है, ज़रूर आप तक पहुँच गई होगी। कैबिनेट मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इन अ मेजर डिसीजन इट हैज इंक्रीज्ड डीएनएस अलाउंस बाय 5% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। इट विल बेनिफिट नियरली 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड 65 लाख 50 lakh central government employees and 65 lakh central government pensioners. It will entail upon nearly 16,000 crore rupees. And this is the highest in a way, 5% rise in one go. तो ये वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद से रेगुलरली यहाँ पर ये कमेंट आ रहे थे कि क्या यहाँ पर 5% है वो डीए अनाउंस हो गया है क्या, तो वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो यहाँ पर जो अनाउंस करने वाले हैं यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अभी जो हाल फिलहाल जो डीए अनाउंस करते हैं वो यहाँ पर ये आपके जो फोटो मैंने वीडियो के थंबनेल में लगाई हुई है ये यहाँ पर हैं, और कल की कैबिनेट मीटिंग का वीडियो में भी आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने ही सारी कुछ चीज़ें जो अनाउंस हुई थी वो इन्होंने ही की है, और कल के जो यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग है उसके अंदर डीए को लेकर, बोनस को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कब आपका डीए अनाउंस हो सकता है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका जो डीए है वो 15 अक्टूबर के लगभग यहाँ पर अनाउंस होने के चांसेस हैं। 15 से 20 अक्टूबर भी हो सकता है, और हो सकता है यहां पर 14 13 को भी हो जाए। बट इसके बाद में 15 के समथिंग जो कैबिनेट की मीटिंग होगी तब मैं आपको वीडियो लेकर प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर आपका डीए अनाउंस कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है बोनस को लेकर भी उसी में अपडेट आ जाए, या फिर एक दो दिन, दो चार दिन के बाद में अपडेट आए। बट दोनों चीज़ें आपकी अक्टूबर मंथ में कंफर्म अनाउंस होने वाली हैं, 15 से 20 अक्टूबर की डेट आप मान के चलो। और आपका जो डीए है वो 4% बढ़ेगा, 5% की अफवाह है। यहाँ पर ये पुराना वीडियो है, काफ़ी साल पुराना वीडियो है, जब यहाँ पर ये मंत्री थे तब का वीडियो है, तो इसके ऊपर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। 4% आपका जो कैलकुलेशन के हिसाब से सीपीआई इंडेक्स के आधार पर 4% बनता है, तो वही बढ़ेगा। सरकार ये नहीं है कि आपको सीधा 5% दे देगी बिना आंकड़ों के आधार पर, तो बिल्कुल भी गलत है। 46% डीए आपका कन्फर्म्ड है जुलाई 2023 से, जो कि यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर के एरियर के साथ अक्टूबर की सैलरी में मैक्सिमम चांस है कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा 99.9%। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये फेक वीडियो है, बिल्कुल भी इस पर विश्वास ना करें। और अपने वैल्यूएबल कमेंट नीचे जरूर डालें यहाँ पर, और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।